ओके लाइव मधुसूदन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड फॉर जनरल आश्लेषा डिपेंड करता है मुझे पता था वील आई विल स्टार्ट विद दिस सेशन एंड फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू गेट इज रिलेटेड टू कट ऑफ भाई नाइन दिसंबर को देखो बेटा रिजल्ट आ जाएगा आपकी रैंक आ जाएगी तो हम बहुत आराम से बहुत अच्छे से कट ऑफ बता पाएंगे लेकिन अगर आपका स्कोर एटीज़ में है तो दे आर गुड चांसेज़ ऑफ़ यू गेटिंग अलोकेटेड गुड कॉलेज जितना नीचे जाएंगे उतना वेकेंसीज़ के चांसेस बढ़ते जाएंगे राइट right, अगर आप सेवेंटीज़ में हैं तो फिर वैकेंसीज ही आपका मेजर सोर्स रहेगा जिसके थ्रू यू कैन क्लियर उससे पहले लिस्ट में नाम आने के चांसेस कम हैं ठीक है तो ये मैंने क्लियर कर दिया है सेवेंटी सेवन अब वही बात है ना सेवेंटीज़ में है तो वैकेंसीज में चांसेस हैं एटीज़ में है तो फिफ्थ लिस्ट तक आने के चांसेस हैं और फिर ऊपर रेंज में जाते जाओ यस रेनू गुड चांसेस वेरी गुड चांसेस ठीक है और कैटेगरी है तो चीज़ें चेंज होती जाएगी यस yes, अब ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आई हैव हैड कल से जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं उसमें आई हैव हैड एटलीस्ट सिक्सटी क्वेश्चन सिक्सटी क्वेश्चन To whom students have objected to? ठीक है जो बच्चों ने कहा रिगार्डिंग मेरे पास ऑब्जेक्शन आया है ठीक so है और आई हैव गॉन थ्रू ऑल ऑफ द क्वेश्चन आई है फैकल्टीज ऑल्सो सो आई है क्वेश्चन इन टू कैटेगरीज जो ऑब्जेक्शन आए हैं बेटा उनको हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड करा है येस अश्लेषा इट्स अ गुड स्कोर नाउ फोकस ऑन वट वी आर डूइंग फॉर दिस सेशन ठीक है एक वो सेक्शन हो जाएगा जहां पे कि यू कैन रेज ऑब्जेक्शन बिकॉज द पर्टिकुलर क्वेश्चन इज हंड्रेड एंड वन परसेंट हमको भी लगता है सारी टीचर्स को बिना किसी कन्फ्यूजन के लगता है कि ये क्वेश्चंस तो ऑब्जेक्शनेबल हैं राइट ऐसे फोर क्वेश्चंस आइडेंटिफाई हुए हैं जहाँ पे द फैकल्टीज आर काइंड ऑफ कंफर्म्ड दैट फॉर श्योर ये तो ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है बिकॉज ऑफ वॉट एवर क्लार्ट का सिलेबस है इसलिए या जो ऑप्शन हैं उसकी वजह से सो दोज फोर क्वेश्चन आर देयर अभी हम डिस्कस करेंगे ठीक है आई जैसे कुछ क्वेश्चन का तो मुझे दूसरी सीरीज में भी क्वेश्चन नंबर पता है सो आई विल कीप ऑन इन्फॉर्मिंग यू एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अच्छा प्लस मैं क्वेश्चन इसीलिए शेयर कर रही हूं सभी लोगों को क्वेश्चन आराम से बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं स्क्रीन पे ठीक है सो दट ऑब्जेक्शन वी आर गोइंग टू रेज फॉर द क्वेश्चन दोज क्वेश्चन आर डिवाइडेड इन टू बेटा दो कैटेगरीज में ये चार सवाल तो 101 परसेंट ऑब्जेक्शनेबल है एंड आई नो वन और टू स्टूडेंट जो 101 परसेंट इन क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन रेस कर रहे हैं या करेंगे ये तय है ठीक है अब इसके बाद ऐसे अराउंड ज्यादा क्वेश्चन है अराउंड फाइव टू टेन ऐसे क्वेश्चन हैं जो थोड़े एम्बिगुस हैं जहाँ पे फैकल्टीज को लग रहा है कि क्लैट चाहे तो इनको बहुत आराम से जस्टिफाई कर देगा इज वेरी मच पॉसिबिलिटी जस्टिफाई कर देगा ऑल दो आप उस पर ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो इफ यू वॉन्ट टू यू कैन रेज ऑब्जेक्शन समझ में आई बात क्लियर एवरी वन सो देर आर टू टाइप्स तो मैं जो आपको क्वेश्चन बताने वाली हूं वो भी इसी तरीके से है फॉर श्योर वाले जो फोर क्वेश्चन हैं दे विल बी अपलोडेड इन टेलीग्राम ऑल्सो है ना अभी थोड़ी देर में टेलीग्राम पे आ जाएंगे कि ये चार क्वेश्चंस तो फॉर श्योर है इन पे आप हमने एक्सप्लेनेशन के साथ उनको डाल दिया है लेकिन ऐसे तो कुछ टेन फिफ्टीन क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एम्बिगस है कुछ स्टूडेंट्स को इश्यूज हैं तो वो अगर आपका डाउट है तो इन दैट केस आप मेरे से डिस आप मेरे मैं आपको जो जस्टिफिकेशन बता रही हूँ वो आप एड ऑन करके ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो ठीक है क्लियर एवरी गन अश्लेषा अच्छा स्कोर है अभी अब इस पर फोकस uh, करेंगे ठीक है स्कोर तो रैंक आएगी उससे सब चीजें क्लियर हो जाएगी ओके okay, एवरीवन तो अभी नाउ लेट अस डिस्कस द क्वेश्चंस वन बाय वन सो मेरे पास जो सीरीज मैं डिस्कस कर रही हूं दैट इज आई बिलीव आई एम डिस्कसिंग ओ सीरीज ठीक है ओ सीरीज का जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है ठीक है और वो क्वेश्चन इन स्टार सीरीज 15th है बेटा इन स्टार सीरीज दिस इज क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इन इनवर्टेड ए सीरीज दिस इज क्वेश्चन नंबर नाइन ठीक है तो अगर आपका ये डाउट है हम डिस्कस कर लेते हैं वॉट डज द प्रोटेगनिस्ट डिजायर टू बी मिस्टेकन फॉर अ पाइन ट्री सबको क्वेश्चन दिख रहा है ना ढंग से प्लीज ये बता दीजिए अदरवाइज आई जस्ट ट्राई टू

तो क्वेश्चन नंबर थर्ड इन ओ सीरीज ये ओ सीरीज का क्वेश्चन है आपके सीरीज में जो भी क्वेश्चन था आप चेक कर लीजिएगा बेटा यहाँ पे इन दिस क्वेश्चन द एग्जामिनर हैज गिवन द आंसर एज डी फॉर डेली है ना शी यंस टू बी वन विथ नेचर एंड एस्केप फ्रॉम अर ह्यूमन आइडेंटिटी अब देखो अगर आप पैसेज में जाते हो बेटा तो यहाँ पे यहाँ पे लिखा है बेटा to be a tree no more and no less was all she was prepared to undertake derive ho raha hai answer beta okay it is possible ठीक है हैश टैग शरीज का क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है मुझे पता नहीं है पर आप देख लो यही वाला क्वेश्चन है पैसेज स्टार्टिंग पैसेज जो है दैट स्टार्ट्स विथ एवरीथिंग शी वांटेड तो आपके पास जो आपकी क्वेश्चन बुकलेट है उसमें से देख लीजिए आप तो यहाँ पे बेटा ये लिखा है ना टू बी ट्रू to to be tree and no more and no less was all she was prepared to undertake theek hai na clear to तो ye derive हो रहा है uh, I would recommend isme objection raise karne ke chances nahi नहीं there is no point aap चाहो तो फिर भी देखो ये तो democracy है आप चाहो तो फिर भी raise कर सकते हो no no problem but that is it. fourth question भी किसी ने fourth question is one of the question देखो कई ओका सही भी हो गया ये

बताओ अथर वॉट इज द प्रॉब्लम ट्राइंग टू ब्रिंक डाउन दाइंडलेस ऑब्जेक्शन दैट इज द होल पर्पज यस पलक करेक्ट बेटा ये टर्म जो है आप पूरा पैसेज ढूंढ लो इन्होंने कहा है द प्रोटोगे डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेस्लिंग आप पूरा क्वेश्चन ढूंढ लो यहां पे कहीं पे भी वु कैन यू सी एनी काइंड ऑफ श्रिल एंड ऐसा कुछ लिखा हुआ कहीं पे भी का डिस्क्रिप्शन है नहीं मोर देन क्वेश्चन ही पैसेज के बाहर हो गया है ना कहीं पे भी पैसेज में टोन से आप मार्क कर सकते हो आंसर बट प्राइमा फेस ही एक जेन्युइन ऑब्जेक्शन है कि भाई क्वेश्चन में कहीं inferable yes anshul that is correct so they may try to justify but that is this is because you have written that uh, you have clearly stated the question is clearly stated that the protagonist description of the nestlings so that means there has to be a description acha inverted commas mein aur hai uh, yes attempt अगर bonus वैसे वो बोनस देते नहीं है objectionable question होता है तो हट ही जाता है पर अगर बोनस मिलता है तो सबको मिलता है irrespective of आपने क्या ऑप्शन मार्क किया है ठीक है क्लियर एवरी वन राइट नाउ लेट लेटस गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ये ओ सीरीज के क्वेश्चन है आपकी बुक में आप देख सकते हो कौन सा क्वेश्चन है उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्टींथ इन ओ सीरीज पता नहीं ये क्यों मुझे डाउट भेजा किसी ने इसका आंसर सही है भाई है ना समन का जो आपका गिवन आंसर है दैट इज सी और वो सही है इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप ऑब्जेक्शन रेस करो हजार रुपए लगाओ इज देयर बट तो भी मिलेगा अगर बोनस मिलता है तो सबको मिलेगा हटेगा तो सबका हट जाएगा ओके okay? नहीं किया तो भी मिलेगा अगर बोनस देते हैं तो वैसे बोनस देता नहीं है क्लैट क्वेश्चन हटा देता है ठीक है पर आप ऑब्जेक्शन में लिख सकते हो कि भाई बोनस दे दो या पूरा ही हटा दो वट एवर वेरी गुड या इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई इसका सी आंसर बिल्कुल सही है पैसेज में से डिराइव हो रहा है इसमें ऑब्जेक्शन नहीं रेज करेंगे ठीक है उसके बाद मी क्वेश्चन नंबर डाउट क्वेश्चन नंबर जो है वो डाउट है सेंट मी दिस डाउट आई हैव क्वेश्चन नंबर इन योर सीरीज इट्स एक्चुअली क्वेश्चन नंबर एट इन योर हैश टैग सीरीज एंड इट इज क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इन इनवर्टेड ए सीरीज ठीक है एंड द गि आंसर इज ऑल्सो एंड द आंसर इज एस में भी अगेन ऑब्जेक्शन का स्कोप नहीं है बेटा बिकॉज दैट इज वॉट इज बेसिकली दैसेज इज ट्राइंग टू टेल यू इट कैन बी डिराइड फ्रॉम द पैसेज ऑल्सो इसका बिल्कुल ठीक है इसको ऑब्जेक्शन में रेज नहीं करेंगे बेटा ओके डॉकेट एक्सक्लूडेड का मतलब यही है कि दे डू नॉट हैव इजी एक्सेस टू जस्टिस सिस्टम, यही एग्जैक्ट मतलब है आई एम एट जयपुर सेंटर अभी बेटा ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन समवन हैज ऑब्जेक्टेड टू इज ट्वेंटी टू यस इसका भी ए डिराइव हो रहा है बेटा ट्वेंटी टू ऑल्सो सी नहीं होगा बेटा सी नहीं होगा उसमें आप सी क्यों कह रहे हो रिजेक्टर रिजेक्ट ट्वेंटी कहाँ रिजेक्ट कर रहा है? का मतलब बताओ. की से जहां हुआ है वहां पे क्या कॉन्टेक्सुअल मीनिंग निकलता है आप ये समझो भाई दे आर डॉकेट एक्सक्लूडेड हार्डली एक्सेबल टू देम दे आर डॉकेट एक्सक्लूडेड एज ए न्यू टाइप ऑफ एन

16 बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि मैम डायरेक्टली गिवन नहीं है किसी ने सी भी भेजा है करेक्ट करेक्ट इसमें एक ऑब्जेक्शन है ये वाला वो क्वेश्चन है जो एम्बिगुअस में है आप चाहो तो क्वेश्चन रेज कर सकते हो ऑल्दो थोड़ा सा आई आई बिलीव दैट इवन क्वेश्चन नंबर 22 का जो आपका ए गिवन है कैन बी जस्टिफाइड बट ये एम्बिगुशन एम्बिगुएस क्वेश्चन में है आपके पास अगर आपका खुद का अच्छा डिस्क्रिप्टिव जस्टिफिकेशन है तो वो आप ऐड करके इसमें ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं पॉइंट इज वाई आई हैव नॉट इंक्लूडेड इट इन द फाइनल लिस्ट बेटा बिकॉज ए कैन ईजिली बी जस्टिफाइड दर इज अ पॉसिबिलिटी दैट बिकॉज उसने क्या लैंग्वेज यूज करी है आई एल शो यू द लैंग्वेज जो उसने पैसेज में लैंग्वेज यूज करी है बेटा वहां पे ये थोड़ा जस्टिफाई हो सकता है The masses are more often victims of the criminal justice system judicial reform effort primarily author jo जो है जैसे he says that story of poor is all together different in all the countries तो बेसिकली पुअर तो खुद का सोशल स्ट्रक्चर हो गया और जुडिशरी में भी उसको नहीं मिल रहा है तो दैट इज काइंड ऑफ सिमिलर समझिए आप बात इसलिए इट कैन बी इनफर्ड बट इफ सम ऑफ यू डोंट अग्री ये एक एम्बिगस क्वेश्चन है आई अग्री कि ठीक है इसमें आप सोच सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको गेन होगा तो यू कैन रेज द क्वेश्चन ओके दैट इज क्वेश्चन ट्वेंटी टू राइट देन ट्वेंटी फोर का तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए बेटा सेम क्या है यही तो बात है ना मोस्ट लाइकली सेम ये होना है कि दोनों ही केस में वो मार्जिलाइज हैं ये सेम हुआ पावर रिलेशनशिप एज दोड एग्जिस्ट भाई मिडिल क्लास को या अपर क्लास को जस्टिस भी मिल रहा है चीज़ें भी मिल रही है और लोअर क्लास को इसीलिए ठीक है ट्वेंटी फोर में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ट्वेंटी फोर योर आंसर गिवन इज सी एंड आंसर इज सी सी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बेटा ये तो बिल्कुल सही है इसका ऑब्जेक्शन प्लीज मत रेज करना बेटा है ना पर्सन अक्रॉस सोशल एग्री ऑन द नीड टू कहाँ अग्री ये वाला है ना पैसेज के कॉन्टेक्स में देखो साफ डराइव हो रहा है इसमें लिखा है कि भाई उनको नहीं मिलता है ना जस्टिस यही तो बात है सच है मतलब दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन जो पार्ट है वही तो दैट इज दी राइट आंसर रिफॉर्म्स डू नॉट फेवर वन क्लास ऑफ पीपल ओवर अनदर ये सही है बेटा ये न्यूट्रल एरिया है जबकि बाकी सब देखो पूरा पैसेज ये कहता है इसमें अगर हम जो वो लास्ट पैसेज वो ये कहता है कि ये रिफॉर्म करो तो मिडिल क्लास खुश होगी लेकिन पुअर का नुकसान हो जाएगा जैसे आप बिजनेस के सपोर्टिंग में कुछ करते हो तो लेकिन अगर आप बिजनेस पुअर को कुछ करो तो मिडिल क्लास सफर कर सकता है तो वो कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात हो रही है अर्पित आई एम एट द ऑफिस मैसेज करके पूछो बेटा अभी नहीं अभी तो आई एम डूइंग समथिंग इंपॉर्टेंट नो सो 24 का सी सही है बेटा कोई डाउट नहीं होना चाहिए प्लीज डू नॉट रेट रेज ऑब्जेक्शन इन इट देन कमिंग टू द क्वेश्चन रिलेटेड टू हां ये वाला कुछ लोगों को डाउट था इसमें यूएसएसआर वाला ऑप्शन सही है ठीक है ए गिवन है ए सही है आई डोंट थिंक देयर इज एनी एनीथिंग प्रॉब्लमेटिक इन सॉरी एनी पॉइंट इन रेजिंग द क्वेश्चन As a, है ना, इस पर आप डाउट रेस करो उसका कोई मतलब नहीं है आंसव okay, सही, तो जब, जब सही हो जाएगा अब जनरल डायर वाले क्वेश्चन में कई लोगों को ऑब्जेक्शन कई लोगों ने मुझे ऑब्जेक्शन भेजे हैं और क्योंकि ये थोड़ा आरसी टाइप पैसेज था ये मार्शल लॉ वाला वेरी गुड ये तो क्वेश्चन है ही डाउट वाई डिड द जनरल डायर ऑर्डर टू फायर ऑन द क्राउड देखो ये क्वेश्चन मैंने अपने ऑब्जेक्शन में इंक्लूड नहीं किया है लेकिन आई नो अ स्टूडेंट हुई प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप डायरेक्ट uh, गूगल पे डालोगे तब तो आपको ये आंसर मिल जाएगा पर अगर आप पैसेज में से पढ़ते हो तो एग्जामिनर सी डिराइव कर सकता है इसलिए आई एम पुटिंग दिस क्वेश्चन इन दी एम्बिगुअस क्वेश्चन कैटेगरी ट और इफ यू थिंक आपका आंसर सही है यस यस अथर वाई नो बट आप पैसेज के कॉन्टेक्ट से सॉल्व करो तो सी जस्टिफाई हो जाता है क्यों जस्टिफाई हो जाता है मैं ये बता रही हूं क्यों मैंने इसको एम्बिगुअस में डाला है बिकॉज इसमें लिखा है कि भाई प्रोक्लेमेशन हो गया राइट इट इज रिटर्न दैट इ शूड अ प्रोक्लेमेशन फिर उसके बाद उसको पता चला कि मीटिंग हो रही है तो इन दैट केस ईर्डर फिफ्टी ग्रुप एंड एवरी थिंग समझ में आई बात तो दैट इज वाई द पॉसिबिलिटी ऑफ सी बट यू कैन रेस द डाउट ठीक है दिस इज वन क्वेश्चन लाइक दी से क्वेश्चन ठीक है आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं बोनस तो सी डी हाँ आप ये भी बोल सकते हो सर सी और डी दोनों हो सकता है ठीक है आप ऑब्जेक्शन में यह भी रेस कर सकते हैं कि सर सी एन डी बहुत हो सकता है वाई नॉट ओके ओके एवरीवन जीके का पैसेज है करेक्ट पैसे आई अंडरस्टैंड आप ये सब बातें लिखिए उस आप प्रॉपर फ्रेम करके उसको लिख के ऑब्जेक्शन में रेस कर दीजिए तो बोथ भी इज अ गुड ऑप्शन सो यूजिंग द द फोर्स टू एनफोर्स मार्शल लॉ आई अंडरस्टैंड आई दैट्स वाई आई एम देखो मुझे कन्विंस नहीं करना है क्लैट अथॉरिटीज को कन्विंस करना है ठीक है तो आई अग्री आई एम आई एम विथ यू ऑन दिस न रेज ऑब्जेक्शन ठीक है इट्स एब्जेक्शनेबल क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है रेस करने लायक है अब ये अनदर क्वेश्चन है राइट थर्टी थ्री क्वेश्चन नंबर बहुत सारे स्टूडेंट ने रेज करा है कि वाई आई नो अ पर्टिकुलर स्टूडेंट कि भाई वाई हैज द इन द लाइट ऑफ वाउ पैसेज वॉट वॉज द इंटेंशन ऑफ द स्पीकर स्पीकर का इंटेंशन क्या है ठीक है टू एक्सपोज द डीड्स ऑफ जनरल डायर That is the given answer, I believe. Hai right? na? B is the given answer for this particular question. Answer B, yes, yes. But some student have said that, ma'am, क्योंकि इसमें कहीं पे भी general डायर को specifically attack नहीं किया गया है Rather आप अगर passage के point of view से solve करो तो passage में भी end में क्या है

विल यू इफ यू इफ यू एक्चुअली गो इन द हिस्ट्री और थोड़ा आप जीके पे सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा जो स्पीकर था वो एक्चुअली इसको लिख जनरल डायर को एक्सपोज करने के लिए ये भाषण दिया गया था लेकिन इफ यू पैस रीड द पैसेज यूल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इट इज टू गेन द सिंपथी मतलब जनरल डायर को एक्सपोज करके उसको बोला था कि तुम सॉरी बोलो ठीक है उसके लिए ही एक्चुअली बोला गया था ऐसे दिया गया था समझे अब बात जब वेन दिस एम पी वॉज एक्चुअली स्पीकिंग

ठीक है बी एंड सी नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स ने मुझे भेजा है रिलेटेड टू ये हमास वाला क्वेश्चन जो है हाँ इसमें क्यों डाउट है भाई इसका तो ए ही होगा ना इसका तो ए ही होगा इसमें क्यों डाउट रखा है हा यूएसएसआर वाला करेक्ट है ठीक है भाई थर्टी सेवन का कोई डाउट होना नहीं चाहिए ऑब्जेक्शन एम्बिगुअस भी कहीं पे भी नहीं है ए आंसर है और ए इज गिवन है हाँ विजय बाकी देखो क्या होता है एनालिसिस के वक्त वन पर्टिकुलर टीचर फ्रॉम हिज व्यू पॉइंट इज गिविंग यू द एनालिसिस ओके विजय बट देन लॉट ऑफ स्टूडेंट जब डिस्कस करते हैं इसीलिए तो क्लैड भी प्रोविजनल आंसर की कर रहा है सो व्हेन इट इज डिस्कस्ड राइट वी आर टेलिंग यू कि इसमें थोड़ी चीजें चेंज हो सकती है

ए निकलता है इसका आंसर ठीक है इफ़ यू सर्च द रीजन बीइंग ये दोनों ही ऐसे वॉर थे यूम वॉर भी वही वॉर था जहाँ पे इज़राइल वॉज टेकन बाय अ सरप्राइज ठीक है आई हैव इफ यू सर्च गेट इट इसमें सोर्स भी है प्रॉपर सोर्स है जो ये बताता है कि इसका मैच जो है आंसर ए हो सकता है और ए ही है इसमें सिक्स इस डे वॉर के कंपेयर में ए होगा यस 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 प्रालपसा ओके सो फोर्टी टू ए ठीक है बेटा ठीक है डू नॉट ओके okay, बुरा सेइंग पैसेज में से डायरेक्टली भी डिराइव हो रहा है वेरी गुड ठीक है देन लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट पैसेज अंबेडकर वाले क्वेश्चन में भी लोगों ने कुछ एक क्वेश्चन में येस yes, इसमें क्यों ऑब्जेक्शन है बेटा इसका साफ लिखा है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी वाला लिखा है ना पुटिंग आर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन पैरल वन टू थ्री फोर फाइव फिफ्थ लाइन में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन क्राइसिस साफ लिखा हुआ है बेटा तो इसको ऑब्जेक्ट नहीं करना है इसका बीफा बैंगलोर है इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है राइट ठीक है फोर्टी फाइव इसमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए फोर्टी फाइव का भी आंसर जो गिवन है वो बिल्कुल सही है सी गिवन है सी और पैसेज में भी, भी गिवन है भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम नहीं है लो जो लोग अच्छा अप्लाई कर रहे हैं उनके ऊपर चीज़ें डिपेंड कर रही है ठीक है तो सीआर हो गई हाँ पलक करेक्ट इजी सी आर उन्होंने सोचा कहां दे तो इसमें डाल दिया ओके okay? चलिए तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सी इज फाइन अगर नहीं काम करता है तो पीपल द कॉन्स्टिट्यूशन मेन कॉल्ड अपॉन टू राइट आंसर बेटा इसमें सोशल डेमोक्रेसी वाले में क्यों डाउट है सोशल डेमोक्रेसी पूछा है लीगल डेमोक्रेसी नहीं सोशल डेमोक्रेसी सोशल डेमोक्रेसी में इक्वालिटी इन सोशल लाइफ होना चाहिए ना बेटा सही गिवन है फोर्टी सिक्स में भी. There is no objection. Okay? 48 में क्या डाउट है बेटा फोर्टी एट वैसे तो मुझे किसी ने ऑब्जेक्शन भेजा नहीं है पर अभी आप बोल रहे हो आई कैन सी द्वेश्चन फोर्टी एट का सी गिवन, huh? yes, तो गिवन है ना फोर्टी एट का सी तो गिवन है करेक्ट करेक्ट इसमें कोई डाउट सोशल लाइफ इन सोशल इक्वालिटी यस यस डंक आरव ये बाद में पूछो बेटा एक बार ऑब्जेक्शन पे फोकस करने दीजिए उसके बाद G20 वाले में भी किसी को ऑब्जेक्शन है क्या वैसे तो आई डिडंट रिसीव एनी क्वेश्चन बट इट्स फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन ये सही है ऑल ऑफ द अबव नहीं मार्क करेंगे ठीक है किसी ने कहा था पर ए इज राइट ओके नाओ लेटेस्ट गो ऑन टू लीगल रीजनिंग में कौन सा क्वेश्चन नंबर है जिसमें डाउट है दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यस दिस इज अनदर क्वेश्चन जो थोड़ा सा आप चाहें तो एम्बिगुस है रेज कर सकते हैं बिकॉज बी जो है आई बिलीव इसमें बी इज द गिवन आंसर राइट फिफ्टी सेवन यस राइट फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन वापस जाए पीछे सही तो है बेटा हा इसका बताया ना ये सही है उसमें कोई ऑब्जेक्शन है नहीं प्राइमरली तो वही उसी के परपस से बना फिफ्टी सेवन में देखो बी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन फंडामेंटल राइट आर नॉट एब्सोल्यूट बट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन यहाँ यहां ये यह आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज रिक्वायर करता है समझ गए आप बात ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए पैसेज के हिसाब से यस यस क्रिएटिव पैसेज के हिसाब से इट इज प्राइमरिली नॉट गिवन बी इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ पैसेज पैसेज में कहा लिखा है कि फंडामेंटल राइट right पे रिस्ट्रिक्शन होते हैं समझ गए आप बात जैसे इन्होंने नया लॉ इंट्रोड्यूस किया यहां पे दिया

फिफ्टी सेवन इज वन ऑफ दैट देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ दिस इज अनोदर क्वेश्चन रोल ऑफ इंटरमीडिएट ही बेटा ये बहुत सारे बच्चों ने मुझे भेजा है इसलिए मैं इसको ज्यादा क्वेश्चन हम वही इंक्लूड कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे बच्चों ने मुझे क्वेश्चन भेजे हैं देखो ये तो गिवन है ना पैसेज में नॉट टू मॉनिटर But they have to absolve themselves. It does not, law does not. But what they have to do is they have to absolve. At the same time, they do not have power to, uh, you know, they do not have power to decide on the content beta. They have to act upon a valid court order for the removal should not take proactive role in monitoring content as this could potentially infringe free speech while the law provides safe harbor it does not absolve they have to try you have to see what the question says question says that what is the role of intermediaries intermediaries ko kya karna hai

सेंसर द कंटेंट कर ही नहीं सकते ना दैट दैट इज द प्रॉब्लम बट टू कंप्लीटली ऑब्जर्व देखो द सेक्शन डज नॉट कंप्लीटलीम फ्रॉम देयर लाइबिलिटी सो वॉट इज देयर रोल दे हैव टू फ्रॉम द लाइबिलिटी थ्रू देयर एक्शन विशिका समझ में आई बात आप क्वेश्चन समझिए क्वेश्चन इज आस्किंग वट इज द रोल ऑफ इंटरमीडियरी अगर ऑनलाइन डेफिमेशन केस होता है तो तो उनका रोल ये है कि वो ये बताएं कि क्यों वो लाइबल नहीं है बिकॉज द सेक्शन इट सेल्व डब्सोल्व एब्सोल्व देम हां वॉन्ट टू एस्केप एस्के लाइबिलिटी रोल इज टू कंप्लीटली एब्जोल्व उनका रोल तो भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे खिलाफ केस है तो मेरा रोल क्या है टू एब्सोल्व कंप्लीटली माई सेल्फ फ्रॉम द लाइबिलिटी टू प्रूव दैट आई एम नॉट लाइबल बिकॉज द सेक्शन इट नॉट एबजोल्व मी फ्रॉम द लाइबिलिटी

रिया एंड उसका दोनों वाला क्वेश्चन कौन सा है दिया एंड रिया देखो यहां पे क्या है जैसे यहां वाले सेवेंटी सेवन जो क्वेश्चन नंबर है बिफोर वी गो टू दैट क्वेश्चन सेवेंटी सेवन जो क्वेश्चन नंबर है उसमें ए आंसर है शी कैन नॉट इनहेरिट एज द जजमेंट मियरली टॉक्स अबाउट द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन यानी इनके द्वारा खुद के द्वारा बनाए गए क्वेश्चन में दे हैव सेड दैट बिकॉज द जजमेंट ओनली टॉक्स अबाउट चिल्ड्रन वाइफ विल नॉट गेट द प्रॉपर्टी समझे आप बात सो अब इन दैट केस पैसेज डज नॉट टॉक अबाउट द फैक्ट दैट वेदर द फर्स्ट एंड द सेकंड गेट द प्रॉपर्टीज ऑल्सो एंड दैट इज वाई इट्स अगेन क्वेश्चन आई एम नॉट यहाँ पे हम नहीं कह सकते कि वाई शुड द फर्स्ट और प्रॉपर्टी एट ऑल ऑब्जेक्शन नहीं सुदीपो वो करना पड़ेगा ना बेटा बिकॉज यू हैव टू सी बहुत वेन वी आर डूइंग रीजनिंग तो है ना जैसे आगे हम प्रोडक्शन वाला क्वेश्चन करेंगे प्रोडक्शन एफिशियंसी वाला हाँ आई अग्री एलिमिनेशन से हो सकता है ली स्ट्रॉन्ग बट इट्स एन ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन

ना क्योंकि इंपॉर्टेंट पेपर है एक मार्क्स पे भी रैंक चेंज होती है तो बेटर टू बी सेफ देन सॉरी ओके का मार्क्स ये एंड में देख लेंगे बेटा ओके okay? तो सेवेंटी थ्री में आप चाहो तो ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हो क्योंकि ना तो फर्स्ट वाइफ का ना सेकंड वाइफ का दोनों का ही पैसेज में गिवन नहीं है अब सेवेंटी फोर अभी वैसे तो किसी ने भेजा नहीं था पर अभी डाउट है तो आप चेक कर लेते हैं

जिनके शॉर्ट शॉर्ट अच्छी रीजनिंग होती है उनका अलग लिस्ट देंगे बोथ कैन बी जस्टिफाइड का अलग रीजनिंग देंगे सपोज ये प्रोवाइड एग्जामेशन पर्सनल डाटा सेटियथ क्वेश्चन में वाई है स्टूडेंट रेज डाउट एटीएथ में सी सही है इसमें डाउट का कोई स्कोप नहीं है बेटा एटीएथ में सी बिल्कुल सही है इट इज एब्सोल्युटली राइट इसमें भी कोई सेवेंटी फोर में ए अभी बताया ना बेटा थोड़ा सा पीछे जाके देख लेना वापस <sì> नहीं इसका सी सही है बेटा चिल्ड्रन फॉर दिस लॉजिक शुड बी एक्सटेंड टू चिल्ड्रन फ्रॉम बोर्न ऑफ वॉइडेबल एंड वॉइड क्यों कह रहे हो भाई ये गड़बड़ हो जाएगा ना पैसेज तो इन दोनों में डिफरेंस कर रहा है एक्सटेंड टू दी आप लैंग्वेज समझो एक्सटेंड टू दी शुड बी एक्सटेंडेड टू हिंदू सक्सेशन एक्ट नहीं है गड़बड़ है ठीक है उल्टा है ओपोजिट है ये ये नहीं होगा बेटा बेटा इसमें इसमें भी भी एक एक काफी बच्चों ने एक particular question पे डाउट रेस किया था आंसर गिवन आई गेस इज डी फॉर डेली ठीक है इसमें छोटी छोटी चीजों पे लोगों ने ऑब्जेक्शन रेस कर रखा है पर तीनों चीजें पैसेज में से डिराइव होती है ऑल कैन बी फ्रॉम द पैसेज हाँ क्वेश्चन गलत है सबको बोनस मिलता है या सभी के लिए क्वेश्चन अमान्य हो जाता है इट काउंट राइट रॉन्ग कुछ भी किया वो फर्क ही नहीं पड़ेगा ठीक है सेट बी बेटा सेट बी अब अलग अलग सेट कैसे देखें ये क्वेश्चन देख लो ना आप अपने सेट में ढूंढ लो ये वाला साथ साथ में इतना टाइम लगा के मैं डिस्कस कर रही हूँ तो सेट बी में ये वाला क्वेश्चन वैसे एटियथ कौन सा है मैं बता दू सिक्सटी वन क्वेश्चन नंबर है इसमें ऑल ऑफ द अबाउ बहुत सारे लोग मतलब आंसर गिवन है ऑल ऑफ द अबाउ है ठीक है बहुत गलत नहीं होते बेटा क्वेश्चन तो वही है ऊपर नीचे आंसर की में ये डिफरेंस नहीं है इस बार कि ये ए सीरीज में कुछ और आंसर दिया है सेम क्वेश्चन का और बी में कुछ और दिया है ऐसा नहीं है इसमें गिवन है बेटा सारी चीजें ब्रॉडली गिवन है एसेट्स रिलेटेड टू फैमिली हिस्ट्री एलिमेंट फ्रॉम दे कैन प्रोसेस एनी डाटा तो ये सब इंक्लूड हो जाता है बेटा इसमें गिवन है पैसेज में से डिराइव होता है बहुत आराम से ये चीज बैलेंस डाटा कैन भी प्रोसेस इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रिवेंशन डिटेक्शन इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन तो आप एक तरह से बहुत बड़ा स्कोप दे रहे हो तो इट इट इज समथिंग कलेक्शन ऑफ डाटा अंडर द गाइज दट सच कलेक्शन इज प्रोसेसिंग ये सब आ जाएगा मतलब तो आप कोई भी डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो उसमें इंक्लूड हो जाएगा ऑल ऑफ दैट इसलिए तीनों जस्टिफाई हो सकते हैं बट आई बिलीव कि इसको आप एम्बिगोस में नहीं रखो इसको आप ऑब्जेक्शन में नहीं रेस करो इसका डी ठीक है बेटा ठीक है किसका एटीएथ का हाँ सॉरी सी गिवन है करेक्ट करेक्ट हाँ दिसल दैट इज वाई सी गिवन है सो टर्निंग ऑफ द फॉलोइंग सी गिवन है वेरी गुड एक्स कम इट्स डिफॉल्ट एटीएथ आई वॉज

Uh, सारे टीचर्स ने अग्री किया है कि सी ठीक है ओके राइट राइट देन मूविंग ऑन टू लॉजिकल में अब देखो प्रोडक्शन वाला ये जो पैसेज है ना इसमें एफिशिएंसी वाला इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है अलग अलग क्वेश्चंस में ठीक है लेकिन इफ यू वॉन्ट यू कैन रेज द डाउट्स ठीक है ये वाला पैसेज मैंने अलग से मार्क नहीं किया है बट आई एम टेलिंग यू दैट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एफिशियंसी रिलेटेड टू कस्टमर सेटिस्फैक्शन ऑल दोज इशूज आर देयर तो आई वुड राधा से कि इफ यू हैव अ डाउट यू कैन रेज द ऑब्जेक्शन बट द टीचर्स एट लॉ परव अग्रीड दैट द गिवन आंसवर्स आर करेक्ट ओके सो इफ यू वॉन्ट यू कैन रेज समझ पैसेज में

रीजन मान रहे हो इंप्लॉई सेटिस्फेक्शन uh, को या ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी को ये दो क्वेश्चन में ऊपर नीचे हो रहा है ये दो ऑप्शन में ऊपर नीचे हो रहा है राइट सो इफ यू हैव ऑब्जेक्शन इन दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस यू शुड रेस द डाउट ठीक है क्योंकि इसमें बहुत लोगों को इशू है और ये एम्बिगुस है क्लैट चाहे तो वो जस्टिफाई कर देगा ठीक है और चाहे तो आपकी बात मान ले तो आप एक्सप्लेनेशन डाल सकते हैं कि भाई ये सेट में फाइनल आप एक एक चीज को uh, yes, vague बहुत है correct? I agree, ये वेग है इसीलिए हाँ आदिल मिलता है करेक्ट देन इन दैट केस कैन मार्क नॉट चेंज द आंसर की है ना पांच लगातार पांच क्वेश्चन के या चार क्वेश्चन के या तीन क्वेश्चन के एक ही सेट में आंसर चेंज करें ये डाउटफुल होता है वो नहीं करते हैं वो ली स्ट रॉन्ग से मार्क कर देते हैं इसलिए दैट इज वाई आई एम नॉट पुट इन बिकॉज फाइव थाउजेंड रुपीज हो गया ना बेटा अगर पांचों क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन भी थ्री थाउजेंड रुपीज तो आप इसी के में हो जाएगा ये वेग वाला है तो आप चाहो तो आप रेस कर सकते हो अच्छा एक और चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अभी थोड़े क्वेश्चन आगे डिस्कस करने से पहले जिस क्वेश्चन के लिए आपने अगर क्वेश्चन रेज कर दिया और फीस पे कर दी तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर दे ठीक है तो आई विल पुट इट इन टेलीग्राम और समवेयर सो दैट यू नो कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी रेज्ड है तो मुझे रेज करने की जरूरत नहीं है ठीक है तो ये चीज़ आप मुझे अलग से मैसेज कर दे कि मैम ये चार क्वेश्चन के ऑब्जेक्शन मैंने रेज कर दिए हैं क्लियर एवरी तो ये दिस पैसेज इज एम्बिगुस सो यू आर फ्री टू रेज ऑब्जेक्शन ऑल दो टीचर्स हैव अग्रीड दैट इजीली, दे विल बी एबल टू जस्टिफाई द आंसर्स, ओके नाउ नेक्स्ट पैसेज जो है दा, इसमें वर्ड से रिलेटेड इसमें ना काफी लोगों को ये वाले क्वेश्चन में है दिस इज ऑल्सो अनदर क्वेश्चन एम्बिगुअस क्वेश्चन ये तो मतलब शोर शॉर्ट वाला है जिसमें आप ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हो प्रोडक्शन एफिशिएंसी वाला तो एक हो गया इसमें इल्यूमिनेट विच टू ऑप्शंस कैन यू गेस विच टू ऑप्शंस आर ऑब्जेक्टेड टू 95 में ए और बी सी क्यों कह रहे हो बेटा यस है ना 95 बहुत सारे लोगों ने कहा है राइट आई बिलीव बोथ ए एन बी आंसर हो सकता है तो अच्छा क्वेश्चन है आप ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हैं ओके okay?

इसका तो हंड्रेड परसेंट है डाउट इसका तो हंड्रेड परसेंट है डाउट इसका अच्छा खासा आपको रीजनिंग देके हम अपलोड करेंगे प्रालिप्सा सी नहीं होगा बेटा सी तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा ओके शान ए होगा आई अंडरस्टैंड देखो यही तो प्रॉब्लम है चेंज होते हैं तो कुछ आपके चेंज होते हैं कुछ आपके नहीं भी चेंज होते तो सब चीजें बैलेंस आउट हो जाती है तो ज्यादा चिंता नहीं करेंगे पर पेपर बोनस चालीस हजार

मेन आइडिया जो है ना टेंथ क्वेश्चन का भी मैम ने कहा है कि भाई चलिए ठीक है विच टू क्वेश्चन आई टेल यू जस्ट अ मिनट उसमें तो आप क्लियर कट ऑब्जेक्शन रेज करेंगे या आपको जो हम फाइनल इशू करेंगे उसमें भी होगा यस दिस इज़ वन ऑफ द क्वेश्चन है ना इसका डी नाइन्टी सेवन डी हाँ सभी लोग डी कह रहे हैं ए टू जेड वेरी गुड ऊपर कर दीजिए राइट right, और वो अपलोड हो चुका है चार जो क्वेश्चन ऑब्जेक्शनेबल है उसके लिए तो नाइन्टी सेवन डी जो है हंड्रेड परसेंट है 98 में टीचर्स आर नॉट अग्रीड टू ठीक है ये एम्बिगुस है आप चाहो तो रेज कर सकते हो आई नो अ स्टूडेंट हु विल रेज सो इफ यू वांट यू कैन रेज द ऑब्जेक्शन फॉर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन टीचर्स हैव हैव नॉट अग्रीड टू द ऑब्जेक्शन दे सेड कि मैम इसको जस्टिफाई किया जा सकता है ओके एवरीवन सो फॉर द क्वेश्चन नंबर 98 टीचर्स हैव सेड दैट दे आर एबल टू जस्टिफाई द आंसर्स और द क्लैट वुड बी एबल टू जस्टिफाई बी फॉर बैगलोर स्टूडेंट इज नॉट द डिटरमाइनिंग फैक्टर वो क्लियरली नॉट ट्रू हो जाएगा कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड विदाउट एग्जामिनेशन पैसेज में लिखा है कि एग्जामिनेशन यूज होता है इसलिए पार्शली अग्री हो सकता है डी से दैट इज वाई बी कैन इजिली बी जस्टिफाइड ओके एवरी वन बट you can raise an objection though teachers haven't said ki it can be justified isliye okay so you might not see this question but it is an ambiguous question if you want you can raise the objection I know uh, one or two students who are going to raise objection on this particular one okay then 101 which of the following statement reflects the use of online platform for the ah, iska isme doubt kara A eh hoga राइट वन ओ वन में तो आई डोंट थिंक एनी वन शुड है किसी ने भेजा इसलिए हाई इंक्लूडेड इट इन द लिस्ट इसका वन ओ वन का हंड्रेड एंड वन परसेंट ए इज कम्प्लीटली फाइन प्लीज इज नो पॉइंट रेजिंग ऑब्जेक्शन ईयर अच्छा बी गिवन है इसलिए वन ओ वन एम आई लुकिंग एट द राइट आंसर की यस अच्छा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में यस बी गिवन है ए शुड बी द आंसर करेक्ट 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 यस ए करेक्ट गुड ऑब्जेक्शन इस पर आप अच्छा ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं येस yes, इसका ऑब्जेक्शन भी तैयार मिलेगा आपको बहुत अच्छा ऑब्जेक्शन का एक्सप्लेनेशन तैयार करके अपलोड किया है है ना तो यस ए होना चाहिए डेफिनेटली आई थिंक इट शुड बी चेंज्ड ये सभी लोगों ने भे भेजा है करेक्ट गुड 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 ये ही मुझे लगा यही दिया हुआ इसलिए इसको टीचर्स हैव नॉट अग्रीड ये भी एक क्वेश्चन है जो सबने रेज किया है पर टीचर्स नॉट हैव अग्रीड टू दिस वन कि मैम इट प्राइमरली लैक ऑफ कॉम्पिटेटिव एटमोसफियर पैसेज के हिसाब से चैलेंज क्या नहीं है That is what they are asking and that is why A can be the answer. One or two C C given Hai. Online resources जो है ना वो आसानी उल्टा last mein likha hai passage Mein. yes कि online resources social media नहीं online resources आराम से available Hai. ये बात passage में लिखी है. I agree सबने कहा है मैं competitive nature से तो ये मेरे को मेरा काफी अच्छा discussion हुआ है student के साथ कि competitive atmosphere जो होता है उससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो इम्पैक्ट हो रही है जबकि इसमें लिखा है लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव तो बेटा कॉम्पिटिटिव से कॉम्पिटेटिव पेपर सेटमॉसफेयर या कॉम्पिटेटिव एटमोस्फेयर इज इलिवेंट टू दैसेज वेर एज पैसेज डज पैसे ऑनलाइन रिसोर्स विल नॉट बी अ चैलेंज बिकॉज इट इज इजली अवेलेबल सो दैट इज वाई हैव नॉट इंक्लूडेड आप ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हैं कि भाई बहुत बी सी एन डी जिनपे ऑब्जेक्शन आए हैं मेरे पास है क्या कोई बाकी हो गए हैं ठीक है क्वॉंट में भी एक क्वेश्चन है जिसपे डिस्कशन हुआ है देखो काफी सारे बच्चों ने यही ऑप्शन मार्क किया तो लॉट ऑफ यू हैव नॉट रेज़ ऑब्जेक्शन आल्सो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे मैसेज नहीं आया है पर एक स्टूडेंट से मैंने डिस्कस किया था वन वन फोर पे राइट आई बिलीव द आंसर गिवन इज एटीन थर्टीन राइट थ्री बाई टू है एंड स्टूडेंट वॉज से आई मार्क् एटीन थर्टीन और समथिंग ये दे हैव रेज देखो इंडिविजुअली आप फिर भी कन्विस्ड हो बाकी किसी क्वेश्चन पे टीचर्स हैव नॉट अग्रीड टू दे हैव सेड कि बाकी ठीक है मैम ये मेन मेन टीचर्स ने तो चार ही क्वेश्चन कन्फर्म करें बट फिर भी एम्बिगुअस जो हो सकते हैं उनके बारे में मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है ठीक है और उसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन लग रहा है पर्टिकुलरली तो टेलीग्राम पे जो आप पोस्ट हुआ है नीचे डिस्कस हो सकता है तो आई विल रिप्लाई इन द डिस्कशन ठीक है आई बिलीव टेलीग्राम पे जो पोस्ट हो चुका है उसमें हम नीचे डिस्कस कर सकते हैं तो आई विल प... मेरे को एक कॉमन प्लेस मिल जाएगी रिप्लाई करने के लिए ठीक है राइट आई जस्ट ओपन इट एंड चेक फॉर माई सेल्फ ऑल्सो यस इसमें नीचे डिस्कशन का स्कोप है क्या uh, इसमें नहीं है तो अभी करवाते हैं हाउ कैन आडी सर इसमें वो ऐड करवाओ ना एडिट करके सेटिंग्स में ताकि बच्चे

तो आज के लिए ऑब्जेक्शन वाला इशू हो गया है होपफुली uh, और कोई एनीथिंग एल्स यू वॉन्ट मी टू यू नो मेक वीडियो ऑन ऑल दो आई हैव वन वीडियो प्लान विच आई बी मे बी रिकॉर्डिंग इट और गोइंग लाइव विद इन कमिंग अ डे और टू रिलेटेड टू अदर एग्जाम्स ऑल्सो एंड एवरी थिंग बिकॉज द स्कोर आर नाउ योर माइंड इज़ नाउ फीलिंग सेटल्ड अबाउट कि क्या स्कोर बनेगा यार रियालिटी जो है ना वो धीरे धीरे फील हो रही है और ज़्यादा अच्छे से रैंक आएगी तब देखो एलेट के दिन ही आपका रैंक आ रहा है रिजल्ट आ रहा है इन द सेंस रैंक आ रही है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप एलेट देख के आके ही देखो वैसे तो रिजल्ट मेरे हिसाब से शाम तक ही आएगा पर फिर भी पहले आ जाए तो देखने की जरूरत नहीं है एलेट दो मजे से अच्छे से और उसके बाद देखो क्लियर एवरी वन ठीक है ओके एवरी वन बाय टेक केयर गुड नाइट मेरे को मैसेजेस दिखा देना एक बार फाइनल मैसेजेस एक बार दिखा दो यस yes. बेटा इसमें आ, पिंड है वापस स्टार्ट से आप देखना ना इसमें इंटू टू करके भी देख पाओगे फटाफट हाँ इजी पेपर इजी पेपर करके रियलिटी चेक <laughs> आंसर की नहीं रियलिटी चेक कर दिया आपका राइट वन जीरो सेवन कोई बहुत बोल रहा है तो देख लेते हैं बेटा पर वीकनिंग वीकनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो 107 जीरो सेवन वी आंसर हैव गिवन देव गिवन सी सी ठीक है ना सी कह रहा है देखो वीकन करना है हमको आप क्वेश्चन समझो क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन वीकनिंग राधर देन स्ट्रेंथनिंग इंडियाज पोजिशन ऑथर का व्यू पॉइंट नहीं बोल रहा है वो वो कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेप ले तो इंडिया की पोजिशन जो है वो खराब हो जाएगी तो अगर हम चाइनीज ऐप को इंट्रोड्यूस करेंगे तो इंडिया की पोजिशन ख़राब होगी ना बेटा ठीक है प्लस वो टेलीग्राम में कमेंट्स में आई विल पार्टिसिपेट एंड टेल यू वाई और आंसर कुड बी राइट और रॉन्ग ठीक है गुड स्कोर एनीथिंग इन एटीज़ इज गुड स्कोर एनीथिंग अबाउट सेवेंटी फाइव इज ऑल्सो डिसेंट बट देखो होगा क्या बेटा आपका स्कोर अच्छा है मैं आज बोल रही हूँ पर फर्स्ट लिस्ट के बाद आप कहोगे कहाँ मैम सेकेंड के बाद भी कहोगे कहाँ मैम फिफ्थ के बाद भी कहोगे कट ऑफ एक्चुअली डिटरमाइन होती है वेकेंसीज से और वैकेंसीज हमको पता चलती है जब बच्चे एडमिशन लेते हैं तो समझिए आप बात इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो रहा है अभी उसमें कमेंट्स में आ जाइए तो उसमें अपन देख लेंगे ठीक है टेलीग्राम पे पिंड जो मैसेज जो पिंड है इसके नीचे उसमें हो जाएगा चलिए इसमें कमेंट एक्टिवेट हुए क्या करो ना आप अच्छा बोलो प्रियांशु को बोलो अभी उसमें कमेंट शुरू हो जाएंगे बेटा ठीक है वन ओ वन जीरो सेवन तो मैंने समझा दिया है वन ओ वन एक बार कमेंट एक्टिवेट हो जाए तो मैं लाइव आई क्लोज द लाइव ऑल्सो उनको बोलना फिर मुझे बताना हाँ तो इसका तो है ऑब्जेक्शन है ना बेटा ये तो ऑब्जेक्शन में है डोंट वरी ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव इसी सेट में लेट मी चेक ये तो गिवन है बेटा इसलिए कोई ऑब्जेक्शन का स्कोप बनता नहीं है मतलब जो क्वेश्चन हमने दिया है उस ऑब्जेक्शन वाले में एड एक बार आप वो देख लो जो हमने क्वेश्चंस रेज किए हैं रोल ऑफ इंटरमीडियरीज नहीं है ऑनलाइन डिफेमेशन पे है पैसेज ऑनलाइन डिफेमेशन पे है पैसेज बेटा इट्स नॉट ऑफ रोल वो तो एक एस्पेक्ट है एक पार्ट है ओके राइट आर डी सर वो हो जाए तो मुझे बताना ठीक है मंजू वेकेंसीज में पॉसिबिलिटी है आ, थोड़ा लॉ जाए इतना भी ऊपर नहीं जाएगा देखो होता क्या है कि स्टार्टिंग में तो पेपर से डिसाइड होता है कि कट ऑफ क्या जाएगी लेकिन बाद में कौन सा एनल्यू अप्रोचेबल कितना है उससे कट ऑफ डिसाइड होती है तो जब हम थ्री टायर एनल्यूज की बात करते हैं तो अप्रोच से कोई दूसरी प्राइवेट जैसे किसी का सिम्बाइसिस हो गया तो वो टायर थ्री में नहीं जाएगा तो वैकेंसी के स्कोप और बढ़ गए किसी के एनएफएससी हो गया तो वो भी टायर थ्री में नहीं जाएगा किसी का अगर एमएचसीटी uh, टी के थ्रू हो गया वो भी टायर थ्री में नहीं जाएगा इसलिए वो वो मल्टीपल कॉम्बिनेशन से फिर नीचे काफ़ी नीचे चली जाती है वेकेंसीज में समझे आप बात पीआरपी बिल का सेकंड क्वेश्चन हम उसमें डिस्कस कर लेंगे बेटा आप मेरे को पैसेज नंबर पैसेज का ऐसे जी ट्वेंटी वाला पैसेज ऐसे करके क्वेश्चन नंबर लिख दो तो हम उसमें डिस्कस कर लेंगे विल डिस्कस इन दी कमेंट सेक्शन इन दी टेलीग्राम चलिए मैं करवाती हूं उसमें कमेंट एक्टिवेट एवरीवन राइट एंड देन विल डिस्कस द रिमेनिंग क्वेश्चन ओके दैट इज़ इट फ्रॉम माय साइड एवरीवन नेक्स्ट जो है बेटा पीआरपी क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा अभी आप मैं आई विल डिस्कस इन कमेंट वहाँ पे टेलीग्राम पे हम डिस्कस कर लेंगे चैट पे बेटा आई लीव अ वॉइस नोट और समथिंग तो जीके आ गया काफ़ी आगे आ गए हम ओ सेट का क्वेश्चन नंबर गैस कर सकते हो तो बता दो टॉप थ्री पॉसिबिलिटी कम है टॉप फाइव की पॉसिबिलिटी है

लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रिपरेशन तो अलग बात हो गई ना बेटा सोशल मीडिया अलग चीज हो गई सोशल मीडिया अलग है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टेक्नोलॉजी इमर्जेस अ पोटेंशियल इक्वलाइजर तो ए हो गया ना पर उन्होंने ए दिया थोड़ी वन ओ वन का यही तो ऑब्जेक्शन है हैव गिवन बी तभी तो हम ऑब्जेक्शन रेस कर रहे हैं चलिए ठीक है ओके ओके बाय एवरी वन टेक केयर एंड डू नॉट वरी टू मच ठीक है बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही नहीं करना है वरी टू मच का मतलब बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है और बहुत सारे ऑप्शन भी हैं ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन आप ज़रूर उस कमेंट में लिख दें कि भाई मैंने इस पर ऑब्जेक्शन रेज कर दिया है, ताकि उस क्वेश्चन पर कोई ऑब्जेक्शन रेज ना करे या वट एवर यू फील कंफर्टेबल विथ सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड सी यू मे बी इन इवनिंग और टमोरो ऑन अनदर सेशन रिलेटेड टू अदर दैन क्लैट वट आर द अदर प्लान यू कैन हैव ओके बाय एवरी वन टेक केयर गुड नाइट एलेट पर तैयारी करो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है डिस्कशन पे जो आपको क्वेश्चन लग रहे हैं उन पर ऑब्जेक्शन रेस कर लीजिए एक्सप्लेनेशन चार क्वेश्चन के हमने दिए हैं और का किसी का चाहिए तो आई कैन हेल्प यू आउट इन द टेलीग्राम चैनल विल डिस्कस इट फर्दर एंड विल हेल्प यू आउट दियर राइट पाँच दस पंद्रह मिनट बाद चेक कर लेना अभी उस पर कमेंट एक्टिवेट नहीं हुआ आर डी सर क्यों नहीं हुआ है अच्छा पांच दस मिनट में उसमेंट कमेंट आ, कमेंट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा तो विल बी एबल टू डिस्कस इट ओके दैट इज इट फॉर माई साइड फॉर टुडे बाय टेक केयर